अभी जाकर ही बनाएंगे। देख सकते हैं आप कैसे रगड़ रगड़ के पूरा हिल रहा है। लेमन टी, चाय लेमन टी, ऐसे ही बोलता है ना ट्रेन में, चाय लेमन टी। आप खाइएगा, बरस नहीं किए हम। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है फिर से आप लोग को हमारे न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों अभी सुबह सुबह जो है हम लोग अपना अपना काम में लग चुके हैं, और इधर आर्या की मम्मी भी अपना काम में लगी हुई है, क्योंकि जो दोस्तों कल जो हम लोग ने राशन का सामान सब लाए थे वो सब ये बढ़िया से सेट कर दे रही है, जहाँ जहाँ रखना है वो सब रख रही है। क्या जी, सब सेट कर रहे हैं ना? थोड़ा सा झाड़ू भी लगा दे रहे हैं। अच्छा, और थोड़ा अंदर घुस जाइए। तो दोस्तों आज घर का साफ सफाई करेगी आर्या की मम्मी, और मैं भी थोड़ा उसका साथ दे दूंगा सफाई करने में, है ना? और दोस्तों हम लोग का जो है ना चावल वगैरह बन के पूरा रेडी हो गया है, और अभी बन रहा है दाल। देख सकते हैं कैसे उबल रहा है हम लोग का दाल। और क्या बनाइएगा सब्जी में आज? अच्छा, कल जो अंडा फूटा था ना, अच्छा और एक अंडा मिला के बढ़िया से दाल में मत मिक्स कीजिए, अलग से बनाइए भुंजिया वाला। अच्छा ठीक है, भुंजिया वाला करी बनाइए, ठीक है। और आर्या बाबू भी उठ गया है। क्या हो गया बाबू? दूध पिएगा? अरे अभी दूध नहीं पीते हैं, अभी तो पढ़ाई कर रहा था, अभी वीडियो देखा, फिर बोल रहा कि तेते मामा करेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं आर्या बाबू के साथ घूमने के लिए बाहर तरफ। कितना दूर जाएंगे बाबू? मैदान तरफ। चलिए हम लोग जा रहे हैं घूमने, ठीक है? आप तब तक जो है अपना काम वगैरह खत्म कर लीजिए, नहीं तो बाबू आके डिस्टर्ब करेगा। जूता 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 पहनेगा बाबू, जूता जूता पहनेगा बाबू। और हम क्या पहनेंगे? हम तो चप्पल पहनेंगे। नहीं तो आप भी जूता पहन लीजिए, हाफ पैंट के साथ अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर तरफ बाबू को लेके घूमने के लिए, और देखते हैं सलमान भी आ गया होगा, उससे भी मिल लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो छुट्टी पे गया था ना, दो तीन दिन से भेंट नहीं हुआ उससे, उससे भी भेंट हो जाएगा हम लोग का। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं बाबू के साथ घूमने, है ना बाबू? कहाँ जा रहे हैं बाबू हम लोग? घूमने घूमने जा रहे हैं। अभी थोड़ा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज है ना बाबू, अच्छा लगता है बाबू को घूमने। अरे किधर गया था घूमने? हम लोग भी जा रहे हैं घूमने के लिए। और देखो अंकल कहाँ है? अंकल दोस्त आप लोग देख सकते हैं, अरे बाबू जो है दौड़ के जा रहे हैं अंकल के साथ मिलने के लिए। हाँ चलो चलो चलो। सब उड़ गया कबूतर, है ना? चलो कबूतर को दाना खिलाओ। घूमने घूमने बहुत जल्दी उठ गया, डेली उठता है 5 बजे, है ना बाबू? चलो कबूतर को बुलाओ तो आएगा सब। बुलाओ, आओ, बोलो। और सब देखो ऊपर में, और देखो आ रहा है। हम लोग आ गए हैं घूम के दोस्तों, और अभी देख सकते हैं आर्या बाबू रो रहा था, हम लोग तो ऊपर जाने वाले थे ऊपर वाला रूम में, लेकिन रो रहा था मामी पास जाएंगे, मामी पास जाएंगे, बदमाशी कहीं का। हाँ, सब कंप्लीट हो गया? कहाँ कंप्लीट हुआ, ये तो बढ़िया से सजा के रख दिए आप। तो दोस्तों आर्या की मम्मी जो है ना पूरा समेट दी है, ऐसे कैसे कचरा वगैरह हो गया था पूरा ना, झाड़ू निकाल दिए हैं। अच्छा, झाड़ू मार के सब साफ कर दिया ना, अभी दाल बन गया? हाँ, हो गई गया, ठीक है। दाल को फ्राई कर दीजिए, बाबू का जूता खोल देंगे। चलिए दोस्तों अभी जो है ना अरे बाबू का जूता खोल देते हैं, इसका प्रोग्राम चेंज हो गया, बाहर नहीं जाएगा अभी घूमने के लिए। आ इधर जूता खोल देते हैं, इधर पल्ला लाएगा ना, इधर वाला फिर। तो दोस्तों आर्या बाबू के लिए है ना दूसरा जूता खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये जूता है ना छोटा हो रहा है, पहले का था और ये तो बड़ा हो रहा है ना, तो बाबू का जूता भी खरीदना पड़ेगा। ठीक है बाबू, जिस दिन
ड्यूटी पे नहीं जाएंगे ना उस दिन, जाएंगे मॉल और बाबू के लिए खरीदेंगे एगो जीन्स पैंट एगो जूता। अब तुम्हारा सैंडल तो नहीं पहनता है, सैंडल भी पहनना चाहिए ना। खींचो 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 खींचो, चलो खींचो। हाँ जाओ, बढ़िया से रख देना अपना काम, अपना जूता जो है ना अपने से रखना, ठीक है। तो बाबू हम जा रहे हैं उधर घूमने के लिए, तुम तो नहीं गया। दोस्त हम जाएंगे थोड़ा सलमान लोग के घर, वहीं पे जाने वाले थे लेकिन बाबू जो है ना डिस्टर्ब कर दिया, हम लोग हमको ऊपर भी नहीं जाने दिया, बोल रहे थे मम्मी पास जाएंगे, तो अभी हम जाते हैं। बाबू तुम रहो ठीक है, हम थोड़ा घूम के आते हैं, ठीक। आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं। हेलो गाइस, रात का जो खाना बचा हुआ था उसको फ्राई कर दिया है, और इधर हम लोग का बन रहा है खाना वगैरह भी। और देख सकते हैं क्या बोलते हैं, मुंगा सुसनी साग, मुंगा साग, और फिर बनेगा भिंडी और आलू का भुंजिया। तो क्या करता है प्लस गैस जलाने के लिए प्लास का यूज होता है। और आप लोग देख सकते हैं बहुत दिनों के बाद सलमान का आपको दर्शन मिलेगा। ये है पानी बोतल, और ये मेरा पानी बोतल है, देख सकते हैं जो मुझे मिला हुआ है टाटा कंपनी का स्पेशल दिया हुआ है गिफ्ट। काफी बढ़िया बोतल है, ऐसे बोतल खरीदने में तो नहीं मिलता है, बट आप लोगों को अगर चाहिए तो आइए हम लोग टाटा, आइए टाटा में काम करना पड़ेगा ना तभी बोतल मिलेगा ऐसा वाला। तो दोस्तों ये वाला है हम लोग का टीम का रूम, तो आप लोग को पता ही है बैचलर आदमी कैसा रहता है थोड़ा। तो दोस्तों हम आ गए घूम फिर के, और इधर आप लोग देख सकते हैं आर्या बाबू नाश्ता कर रहे हैं। क्या नाश्ता कर रहे हैं बाबू, ये क्या है, ये कौन दिया बाबू को? बाबू देख सकते हैं दोस्तों आर्या बाबू क्या क्या नाश्ता कर रहे हैं। क्या नाम है इसका, गुचिया, गुचिया। अच्छा, और चाय ना, और इधर बिस्किट। अरे बाबू का तो मौज है, मौज यस मौज कर रहा नहीं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आर्या बाबू पूरा नाश्ता कर रहे हैं। ये इतना सारा कौन दिया आप लोग को सुबह सुबह? तो दोस्तों दिया होगा हम लोग का पड़ोसी सब, आज पूजा था ना कल, आज। अच्छा बना लिए सब्जी? चाय पीजिएगा। हाँ हमको भी चाय दीजिए, हम भी थोड़ा चाय का मजा लेंगे। नींबू वाला है, नींबू वाला है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरे लिए भी चाय बचा के रखी है रे मम्मी, कितना ख्याल रखते हैं मेरे लिए है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग का पगलिया मेरे लिए चाय बना रही है, चाय बना चुकी है पहले ही, अभी थोड़ा गर्म कर दे रही है। आपके लिए बचा के रखे थे। अच्छा आप पी लिए चाय? नहीं पिए, नहीं पी, तो इतना थोड़ा वो रो रहा था दूध के लिए, तो हम बोल रहे ना कि दूध नहीं आया है तब तक हम चाय बना देते हैं, तो तुलसी का पत्ता दे दिए हैं और नींबू थोड़ा। अच्छा ठीक, और सब्जी? सब्जी तो नहीं बनाए हैं। अच्छा अंडा? सिर्फ दाल बनाए हैं। अंडा बनेगा ना, चलिए गर्म हो गया, ज्यादा गर्म नहीं करेंगे, ज्यादा गर्म मत कीजिए मुंह जल जाएगा। बाबू बाबू दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पूरा वीडियो देख देख के, टीवी देख देख के पूरा नाश्ता कर रहे हैं ना बाबू। ये हम लोग का लैपटॉप है दोस्तों, बहुत पहले हम जो है फर्स्ट जो काम कर रहे थे तभी खरीदे थे ये वाला लैपटॉप। तो आर्या बाबू बोलता है टीवी है ना, वो टीवी है ना हम लोग का टीवी। अब फेंक फेंक के बिस्कुट क्यों खा रहा, देखो तो ये वाला फेंक दिया तुम इधर, ये वाला लो इसको भी यहाँ रखो ठीक है। वो सब खाने का मन नहीं कर रहा बाबू को, लीजिए आपका लेमन टी, लेमन टी चाय, लेमन टी ऐसे ही बोलता ना ट्रेन में, चाय लेमन टी, लेमन टी आप खाइएगा, बरस नहीं किए। हम बरस नहीं किए, पहले चाय पी लेते हैं उसका बरस वगैरह करेंगे। खाइए कल भी आप, तो मेरे लिए भी आ गया चाय, तब चलिए पी के देखते हैं, थोड़ा ठंडा होने देते हैं दोस्तों नहीं तो मुंह जल जाएगा। इसको बोलते हैं ठेकुआ। क्या है ये वाला? ठेकुआ, ठेकुआ रो वाला जो डिजाइन किया हुआ है, पीड़ू किया, पीड़ू किया। हाँ।
है? कैसा नाम है? हम तो गुछिया ना मुझिया सुने थे। क्या फिल्म देख रहा है बाबू? गाड़ी वाला गाड़ी चलाता है, वो भी चलाता है। गाड़ी कैसे चलता दिखाओ तो। अच्छा अच्छा गिल्ले गिल्ले से। अच्छा दोस्त अभी हम भी चाय पी लेते हैं। हमको तो खट्टा लग रहा है, ज़्यादा नींबू दे दी क्या? ज़्यादा नींबू दे दिए। नहीं नहीं आपके लिए ठीक है, हमको तो थोड़ा ठीक है मेरे लिए। हम तो ज़्यादा मीठा भी नहीं खाते हैं। आपके के लिए तो ज़्यादा मीठा नहीं बनाए हैं क्योंकि आपको मीठा पसंद नहीं है। मजा आ गया गरम गरम। तो अभी भुजिया बनाएगा ना। एक गो अंडा तो कल फूटा था, ठीक है ये वाला अंडा थोड़ा सा इसके लिए छोड़ दिया, वो भी फूटने वाला था। तो दोनों अंडा का आप ये कर लीजिए, भुजिया बना लीजिए, उसका मसाला वगैरह जो कैसा बनाइएगा दिखाएंगे दोस्तों लोग को। अच्छा तो दोस्तों आप देख सकते हैं तेल डाल दिए और ये फोड़ लीजिए। उसी में डालेंगे एक ही बार, उसी में डाल दीजिएगा। छोटा छोटा भुजिया बनाएगा ठीक है? नहीं बड़ा बड़ा, तब ना खाने में मजा आएगा है ना? तभी ना मजा आएगा। टेस्टी, वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। फिर गांव जाएंगे ना हम लोग, तो मिक्सर लेके आएंगे, सही करवाएंगे, क्योंकि गांव में तो कोई यूज नहीं करता है। दादी अकेला रहती है, सिस्टर है, कुकर भी है, खिचड़ी उचड़ी बनाएंगे, दाल। कल बनाएंगे खिचड़ी, कल शनिवार है ना, कल बनाएंगे। इसीलिए भी बोल रहे हैं कुकर भी घर में है, लेके आएंगे तो उसमें जल्दी होगा खिचड़ी। अच्छा चलिए दोस्तों अभी मैं चाय पी लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलेंगे। और मैं भी थोड़ा रहकर मम्मी का साथ दूंगा, थोड़ा क्या क्या काटना है, लहसुन वसुन छीलना है। चलिए पहले पी लेते हैं चाय। का दूध भी आ गया है, वही गया था लाने, वही गया था। हाँ तो हमको दिया, इसको रख दीजिए उधर। दोस्तों अरे बाबू का दूध भी आ गया है, अभी दे देते हैं टिप्पी। क्या देख रहा है? उसी को दीजिए, नहीं तो फिर से रोने लगेगा। ले जाएगा, जाओ दे दो। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये मसाला वगैरह हम रेडी करेंगे। प्याज वगैरह काट लिए हैं और लहसुन भी छील दिए हैं, थोड़ा सा मिर्चा दिए हैं। तो आज आर्या के पापा जो है मसाला पीसेंगे रगड़ रगड़ के, क्यों जी? आज हम पीसेंगे, रोज तो आप ही पीसते हैं ना। हाँ। आज देखिए हम पीसते हैं, कैसे पीसते हैं आप? पीसिए रगड़ रगड़ के। हम तो गाँव में तो ऐसे ही पीसते, नहीं पीसते देखिए गाँव में? नहीं देखे है ना, नहीं देखे हैं। कितना बड़ा मसाला पीसे हैं, अंडा भुजिया करी बना रहा है ना दोस्तों, इसलिए प्याज सब ना थोड़ा पीस देंगे तो अच्छा उसमें मस्त करी बनेगा। नहीं हाँ करी बनेगा, नहीं तो इसमें भुजिया बनाते हैं ना अंडा का, तो उसमें तो कि छोटा छोटा हो जाता है भुजिया सब, इसीलिए उसको करी बना देंगे ना बढ़िया रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज आर्या के पापा बनाएंगे अंडा भुजिया करी, खा के देखेंगे कैसा लगता है, क्योंकि आर्या के पापा को बहुत दिनों के बाद मतलब कि हम लोग का रोज ही कुछ अंडा का ही बन रहा है, क्योंकि अंडा ही लाए हैं और सब्जी तो हम लोग इतना लाते नहीं है, है ना? सब्जी रहने से सब्जी बनाते हैं, वो ख़त्म हो जाता है तब अंडा बनाते हैं। फिर आज टाइम भी नहीं मिला सुबह सुबह मार्केट जाने का, तो सब्जी भी सब कुछ ख़त्म हो गया, तो आप कुछ नहीं है सब्जी, इसीलिए हम लोग अंडा करी, अंडा भुजिया करी बनाएंगे। देख सकते हैं आप कैसे रगड़ रगड़ के पूरा हिल रहा है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये है हम लोग का प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट, मिर्चा का, और ये टमाटर का पेस्ट हम पीस के बना लिए हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं तेल भी जब हम लोग का गर्म हो गया है, तो अभी इसमें ये पेस्ट डाल देते हैं प्याज वाला, टमाटर वाला भी डाल देंगे दोस्तों। टमाटर जो पेस्ट बनाए थे हम लोग इसको सकते हैं दोस्तों, जैसे दिख रहा पेस्ट हम लोग का, क्योंकि दोस्तों अंडा भुंजिया करी में जो ना पेस्ट बना के ही डालना चाहिए, क्योंकि वो तो भुंजिया जो देख सकते हैं कितना छोटा छोटा है वाला भुंजिया, छोटा छोटा है, और अगर ऐसे ही पूरा पूरा डाल देंगे गोटा गोटा तो सब मिक्स हो जाएगा और अच्छा से अंडा भुंजिया भी नहीं दिखेगा। तो चलिए दोस्तों इसको पकने देते हैं मसाला को थोड़ा सा, ये जो प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर दिए हैं, उसके बाद इसमें मसाला वगैरह ऐड करके बढ़िया से भुंजेंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये हम लोग का प्याज
अदरक लहसुन वाला पेस्ट जो है बढ़िया से भुंजा गया है, और अभी मसाला ऐड करते हैं। ये धनिया पाउडर दो चम्मच दे देते हैं, और जीरा पाउडर भी दे देते हैं दो चम्मच, जीरा पाउडर दो चम्मच, और ये हल्दी डाल देते हैं, हल्दी दे देते हैं एक चम्मच। और आप लोग अपना हिसाब से डालिएगा, जैसे आपका क्वांटिटी रहेगा अंडा भुजिया का उसी हिसाब से डालिएगा। ये हम लोग का है मिक्स मसाला तो पूरा ही ख़त्म हो गया हम लोग का, और थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे, नमक नहीं डालें, नमक डाल दीजिए। ये हम लोग का है मिर्चा पाउडर, क्योंकि कच्चा मिर्चा ही पीसे तो दोस्तों ठीक है, तो इसीलिए इसको थोड़ा दे रहे हैं। नमक दे दीजिए, नमक अपने हिसाब से दीजिएगा जितना आपको कम ज़्यादा पसंद है। चलो थोड़ा पानी दे के तो जो है अभी भुनेंगे बढ़िया से मसाला। तो स्मेल तो अच्छा आ रहा है अभी देखते हैं, थोड़ा इसको बढ़िया से भुनने देते हैं। चलो दोस्तों फिर मिलेंगे आप लोग से भुनने के बाद, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, और देखिएगा अंडा भुंजिया कैसे बनता है विलेज स्टाइल में हम लोग का, और इसी स्टाइल से हम लोग भी बनाते हैं जैसे गाँव में बनता है देसी स्टाइल में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं फाइनली जो है हम लोग का अंडा भुंजिया करी बन के रेडी हो गया है, और आप लोग देख सकते हैं कितना ही अच्छा दिख रहा है अंडा भुंजिया करी, देख सकते हैं ये वाला। तो थोड़ा दोस्तों अभी जो है ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो, क्योंकि मुझे अभी काम पे जाना है, और अभी 8 भी बज गया, मुझे 9 बजे निकलना है। तो चलिए दोस्तों, आई होप दोस्तों लोग को अच्छा लगा होगा, और अंडा करी भी आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि इसी तरह का वीडियो जो आपको मिलते रहे नया रेसिपी का वीडियो। हाँ, तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।